आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 62 है। इसके अंदर सीपीयू सॉकेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर सीपीयू सॉकेट का काम क्या होता है। यहाँ पर सीपीयू सॉकेट के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर आपको एक सीपीयू सॉकेट नज़र आ रहा होगा, इसका काम क्या है इसके बारे में आज जो है हम देखने वाले हैं। द प्रोसेसर सॉकेट इज़ द प्लेस ऑन द मदरबोर्ड वेयर द सीपीयू इज़ प्लेस्ड। जो सॉकेट होता है ना वो उसी जगह पर होता है जहाँ पर आपने सीपीयू को लगाना है। एक मदरबोर्ड के अंदर एक सॉकेट होता है, एक पीजीए सॉकेट होता है जहाँ पर आपने सीपीयू को लगाना होता है। इट्स स्क्वायर प्लास्टिक ऑफ मेटल होल्डर विथ मल्टी होल्स। ये जो है ना आपको मल्टी होल्स नज़र आते हैं जिसके अंदर हम प्लास्टिक और मेटल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्ट बिटवीन द मदरबोर्ड एंड सीपीयू। ये जो है ना कनेक्टिविटी बिल्ड करता है मदरबोर्ड और सीपीयू के बीच में। यहाँ पर ये देख रहे हो ये सीपीयू है और ये जो है एक सॉकेट है और ये जो है ना मदरबोर्ड के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो बिल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर सीपीयू सॉकेट के बारे में और पढ़ें तो मॉडर्न सीपीयू सॉकेट इज़ कॉल्ड ZIF। ZIF का स्टैंड होता है ज़ीरो इंसर्शन फोर्स। जो है ZIF जो है सीपीयू आजकल का जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। द सीपीयू इज़ इंस्टॉलेड ऑन द सॉकेट विथ नो फोर्स। सॉकेट के अंदर जब सीपीयू जो होता है आपने जब उसके अंदर इंस्टॉल करते हो तो कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, कोई ज़्यादा यानी कि ऐसे दबा के नहीं रखना पड़ता। आपने सीपीयू लगाना है और उसका जो गिर्ड होती है उसको जो ना आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर ZIF जो नज़र आ रहा है आप लोगों को ये सीपीयू सॉकेट है, इसको PGA भी कहा जाता है। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ CPU सॉकेट डिज़ाइन कॉल्ड पैकेजेस PGA पिंड गेट एरे। PGA इज़ टिपिकली स्क्वायर ZIF सॉकेट डिज़ाइंड विथ होल्स एंड लॉक डाउन ओवर। ये जो है ना उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और जो है लॉक होता है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को CPU कोई खोल के दिखाता तो प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ में आ जाता। यहाँ पर CPU सॉकेट के बारे में और पढ़ें तो PGA जो है पिंड गेट एरे सॉकेट वन जो है केम आउट 1999 में आया था, 1999 में इसको जो है बनाया गया था। हैड 169 पिंस एंड यूज्ड इंटेल प्रोसेसर के अंदर इस्तेमाल किया गया था। सीपीयू सॉकेट वन के बाद आया था 370, हैज 370 पिंस, इसके अंदर 370 पिन का जो है इस्तेमाल किया जाता था। वह इंटेल पेंटियम 3 प्रोसेसर जो है था उसको इस्तेमाल किया जाता। फिर सॉकेट ए, फिर सॉकेट 744, फिर सॉकेट 939 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता। देर आर ओवर 15 डिफरेंट सॉकेट्स दैट यूटिलाइज्ड PGA पैकेजेस। PGA के अंदर और जो है ना बहुत सारे सॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। CPU सॉकेट स्लॉट पैकेजेस, आपको ये जो CPU सॉकेट नज़र आ रहा है यहाँ पर ये पेंटियम सेकेंड है, ठीक है, 2 Pentium 2, ये Pentium 2 इंटेल का जो इस्तेमाल किया गया था। द CPU यूटिलाइज्ड अ टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इंटरफेस कॉल्ड SCC, जिसको हम कहते हैं सिंगल एज कॉन्टैक्ट कैटरेज। ये जो है Pentium 3 और Pentium 2 जो है समझो कि लगभग Pentium 2 के इस्तेमाल में लिए के लिए इस्तेमाल किया गया। मेड इट्स डेब्यूट इन 1997 विद इन द इंटेल पेंटियम सेकेंड प्रोसेसर। इसके जो इंटेल का सेकेंड प्रोसेसर था उसके इस्तेमाल में इसको लेकर आए थे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।